of you, and you're so welcome back. So today on, we'll be starting this new series, Har Question Mein Hai Dum. Last few days are left, guys. 13 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो अब इन लास्ट फ्यू डेज में हमने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, वो चीज़ बुक्स में से पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड जिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम क्वेश्चंस गलत कर रहे हो. अदरवाइज इनफ ऑफ रीडिंग एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस एवरी डे. सो एवरी डे आई विल बी ब्रिंगिंग यू 50 क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिट एंड वी विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर्स थ्रू दीज क्वेश्चंस. ठीक है जी. सो आर यू गाइज ऑल रेडी फॉर दीज दमदार क्वेश्चंस? लेट्स सी हु ऑल हैव जॉइंड द क्लास ऑलरेडी. हेलो एवरी वन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज. जल्दी से शेयर कर देंगे इसे अपने फ्रेंड्स के साथ. सो वी नो द ड्रिल दैट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन. तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट वी हैव मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो जितना आपने लाइक हमारी पिछली सीरीज को किया था रीडिंग द एनसीईआरटी टुगेदर, सो आई एम सो श्योर कि यू विल बी लविंग द सीरीज इवन मोर बिकॉज एवरी डे नाउ नाउ ऑन. अब आज से हम जितनी देर तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता टिल 11th टिल 12th में भी वी विल बी डिस्कसिंग 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरी डे. सो जल्दी से शेयर कर दीजिए, पुट इट ऑन योर स्टोरीज, पुट इट इन योर स्टेटस, पुट इट ऑन एवरी चैनल, एवरी यस फोरम दैट यू फॉलो सो दैट वी हैव मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो वी आर हियर विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट रिप्रोडक्शन. जल्दी से हेलो एवरी वन. हाय वंतिका, अदीबा, अभिजीत, डॉक्टर दिलशान, मेनी न्यू स्टूडेंट्स. हाय सरोज, रमेश खान, प्याली घोष, रफीक. सो कैसी चल रही है तैयारी, जल्दी से मुझे बताइए. कोई डरने की जरूरत नहीं है गाइज. मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम डर लग रहा है. डरने की जरूरत है ही नहीं, और वो जितना डर है वो इन क्वेश्चन के साथ तुम्हारा सब निकल जाएगा क्योंकि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अलावा कुछ नहीं आने वाला. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ यू आर एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चन सो डरने की जरूरत है ही नहीं. वी हैव रेड इनफ, यकीन रखो. हैव बिलीव इन योर सेल्फ. खुद पे यकीन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. बहुत मेहनत की है हम सब ने, ठीक है, आपने, हमने, और लास्ट मोमेंट तक चलती रहेगी. बट अब लास्ट डेज में हमारी जो मेहनत है वो होगी सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में. सो डू नॉट मिस ऑन दीज क्वेश्चन. एवरी डे रात 8 to 9 वी विल बी डिस्कसिंग 50 क्वेश्चन फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट यूनिट्स नाउ. हेलो एवरी वन. हाय गिरिजा, प्याली, सुरेश, अवन. हर रोज अलग पार्ट के होंगे. यस सुरेश, एवरी डे वी विल बी डिस्कसिंग 50 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. जैसे आज बताई देती हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से क्वेश्चंस, हेल्थ एंड डिजीजेस और एनिमल ब्रीडिंग के क्वेश्चंस कल मैं डिस्कस करूंगी, दमदार क्वेश्चंस. आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट में से. सबको डिफिकल्ट लगता है, लेट्स सी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस हैंडल कर लिए ना इन 10 दिनों में, सोचो इन 10 दिनों में वील बी डिस्कसिंग 500 क्वेश्चंस टुगेदर और इवन मोर. तो अगर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आई विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे. चलिए, सो जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हिट द बेल आइकन ऑफ कोर्स, एंड यस वी विल बी स्टार्टिंग वेरी वेरी सून. हाय प्रदीप, हाय किम जोंग, रजा, डॉक्टर सुहानी, सिंह चोंग, द देवू, अमित, गिरिजा, अरिजीत, बुलंद, यूट्यूबर, ओके, मेनी न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. हाय डॉक्टर निखिल, रमेश, फ्यूचर डॉक्टर लिली, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो गाइस जल्दी से शेयर कर दीजिए. सो वी ऑल नो थॉर, राइट? सो जितना दम उसके थॉर के हैमर में है उतना ही दम होगा हमारे क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चंस के बाद डरने की जरूरत है ही नहीं. चलिए, सो विद फुल ऑन बिलीव इन आवर सेल्फ वी विल बी स्टार्टिंग टुडेज क्विज. क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट विद द क्विज गाइज? आर यू रेडी? आई एम वेरी फाइन डॉक्टर लिली, थैंक यू सो मच. अबाउट एनसीईआरटी अंडरलाइन नागार्जुना, एनसीईआरटी हमने बहुत पढ़ ली है, ठीक है. नाउ यू नो हाउ टू रीड एनसीईआरटी, सो प्लीज कॉन्टिन्यू रीडिंग एनसीईआरटी इफ यू वॉन्ट टू. अगर आपका कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रह गए हैं तो प्लीज कॉन्टिन्यू रीडिंग एंड नाउ यू नो हाउ टू रीड एनसीईआरटी. बट आई वुड से कि हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए थे,
अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, प्लीज गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट एंड रीड नाउ, अदरवाइज इनफ ऑफ रीडिंग. बट अभी भी अगर लगता है कि एनसीईआरटी रह गई है पढ़नी है, देन यू नो हाउ टू रीड इट नाउ. क्लियर? यस बिल्कुल, ऐसा ही ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड वी विल बी फेसिंग दीज क्वेश्चंस वेरी करेजियसली. चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए गाइस. So, are we ready for the questions? Shall we start? Hi, Pradeep. I am very excited with this new series. How are you? बिल्कुल शुरू कर रहे हैं. चलिए, मिंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं. तो गाइस, आज का हमारा क्या रूटीन रहेगा आज से? तो आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चन फर्स्ट, और उस क्वेश्चन के बाद, उस क्वेश्चन से तुम उसका आंसर पहले फाइंड आउट करोगे, और क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगी उसका आंसर. ऑल राइट, आर यू ऑल रेडी फॉर द टेस्ट? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्विज अपना. ऑल राइट एवरीबडी, वी हैव 65 स्टूडेंट्स राइट नाउ. सो गाइस जल्दी से शेयर कर दीजिए, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द क्विज इन नो टाइम. All right, चले तो let us start with the first question on your screen. So first question guys. So first, हाँ जी, let's see कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है. So first question, first movement of fetus is usually observed in NCERT based question. Let's see who answers this question quickly. Answer number likhenge aur saath mein uski correct option. Rafiq is the first one to say it is 2. Yes, the first answer is first movement of fetus is usually observed in guys 5th month. Very important question. So agar aapko jald aaj questions ki jo routine rahegi aaj se, ye bahut quickly hum karenge, theek hai, bahut fast speed rehne wali hai kyunki ab hame apni speed pe bhi kaam karna hai. ठीक है जी. सो द फर्स्ट आंसर इज बी, 5th मंथ में पहली मूवमेंट ऑब्जर्व होती है. ऑल राइट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज 5th मंथ. रीड एनसीईआरटी, दिस इज प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 गाइस. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स. नाउ लेट्स सी ये आंसर किसको आता है, किसको क्लियर है कि हमारा प्लेसेंटा किस चीज के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है. सो यस, सो हमारे केस में द करेक्ट आंसर इज द ब्लड वेसल्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स फीटल ब्लड ओनली. सिर्फ फीटल कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा प्लेसेंटा बनेगा. सो ऑल ऑफ यू हु हैव आंसर्ड द करेक्ट आंसर्ड ऑप्शन 1 आर ऑल करेक्ट. बोथ फीटल एंड मदर नहीं होता, मेटर्नल से तो बन ही नहीं सकता अकेले, ठीक है जी. और हमारे केस में वो बनेगा सिर्फ फीटल कॉन्ट्रीब्यूशन से. सो ये याद रखनी है चीजें. अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इन्हीं को डायरेक्टली याद रखेंगे. क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, और जो आंसर दे देता है वो जल्दी से शेयर कर देगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ. पुट इट ऑन योर यूट्यूब चैनल, सॉरी ऑन योर टेलीग्राम चैनल्स, इन ऑल द चैनल्स दैट यू फॉलो. शेयर इट विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन द लेटर फेज? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो सुधाकर इज द फर्स्ट वन. नो, थर्ड का आंसर है गाइज. सिर्फ आंसर लिखिए, डोंट राइट द नंबर, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है. जस्ट राइट द आंसर. सो फर्स्ट का इसका आंसर है रिलैक्सिन. तो गाइज, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में पार्चुरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ओवरी से जो आता है दैट इज रिलैक्सिन. इट विल हेल्प इन रिलैक्सिंग द प्यूबिक सिम्फिसिस.
ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्सिन प्यूबिक सिंफिसिस को रिलैक्स करेगा, और दोनों के एक्शन से होगी पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ. ऑल राइट, एब्सोल्यूटली. चले, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फ्रॉम प्लेसेंटा मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम गाइज ऑफ प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? सिमी वर्मा. प्लीज रिव्यू योर आंसर. ऑल राइट, प्रोजेस्टेरोन. गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं. प्याली घोष इज द फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली कि हार्मोन जो प्लेसेंटा से आएगा और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. तो कोरियोनिक विलाय जो होते हैं प्लेसेंटा के, वो बनाते हैं HCG, और इसी HCG ने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर बनाएगा प्रोजेस्टिरोन. सो प्लेसेंटा से नहीं आएगा डायरेक्टली प्रोजेस्टिरोन, प्लेसेंटा से आएगा HCG. नाउ ये HCG ही है जिसने की ग्रेविडेक्स टेस्ट भी देना है, दैट इज द टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी. यूरिन में HCG के प्रेजेंस से प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है. ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. हाय कशिश नागपाल, हेलो एवरीवन, संजय कॉन्ट्रप्रेनाय, उषा, न्यू स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली यू आर सो वेलकम. कोई बात नहीं, गलत हो गया. अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पे तो आंसर बाकी किया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स मीडिएट्स द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रीशन? तो कौन है जो नेगेटिव फीडबैक डालेगा FSH को? एंड द करेक्ट आंसर इज इनहिबिन. इनहिबिन, और इनहिबिन का देखो एक क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो जाता है कि इनहिबिन कौन प्रोड्यूस करता है. इनहिबिन इज सिक्रीटेड बाय द सर्टोली सेल्स, और ये इनहिबिट करेंगे FSH की सिक्रीशन को. क्लियर? एब्सोल्यूटली. चले मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. हियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज? सो 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? लेट्स सी, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है गाइस. सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज क्लीवेज. 6 का आंसर है क्लीवेज. के लिए इनकरेक्ट क्या है? इन जाइगोट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज हाई एज कंपेयर टू द ब्लास्टोमियर. दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट स्टेटमेंट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 6. सो करेक्ट, उसने इनकरेक्ट बोला है, सॉरी. यहाँ पे इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इन जाइगोट इज लो एज कंपेयर टू द ब्लास्टोमियर्स, बिकॉज विद एवरी डिविजन न्यूक्लियर मटीरियल इज इंक्रीजिंग. तो न्यूक्लियर मटीरियल इंक्रीज हो जाएगा, तो जाइगोट की न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगी और आपके एम्ब्रियो की न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होगी, बिकॉज जैसे जैसे डिविजन हो रही है न्यूक्लियर मटीरियल इंक्रीज होता जा रहा है और साइटोप्लाज्म हाफ से हाफ होता जा रहा है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड क्लीवेज एज वेल. माइटोसिस में ग्रोथ फेजेस आर प्रेजेंट, व्हाइल क्लीवेज में ग्रोथ फेजेस आर एब्सेंट. एब्सोल्यूटली. सो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर इज सी. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. सो गाइज, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी आंसर्स मार्क किए हो सकते हैं. सो यू हैव टू चेक द आंसर्स वेरी केयरफुली, डू नॉट गो बाय द मार्क्ड आंसर्स. ये आपकी कंफ्यूजन के लिए भी हो सकते हैं. चले, इफ फॉर सम रीजंस द रिटर टेस्टिस इन मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर ब्लॉक्ड, द गेमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम? लेट्स सी हु हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. हसनीन सदफ हैज आंसर्ड इट करेक्टली बाय सेइंग द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो अगर रेटे टेस्टिस में ब्लॉकेज आती है तो टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में गेमीट्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे. एब्सोल्यूटली. सो मेनी राइट आंसर्स, मेनी राइट आंसर्स. मिथिंगा, इट कैनॉट बी 4, इट कैनॉट बी 4, क्योंकि वास्ट डिफरेंस टू इजैकुलेटरी डक्ट तो बहुत ऊपर जाके है. रेटे टेस्टीज, ये आपकी टेस्टीज है, ठीक है. तो यहां से जो आपकी वासा एफरेंशिया स्टार्ट होनी है उससे नीचे होती है रेटे टेस्टीज. तो रेटे टेस्टीज में अगर ब्लॉकेज हो गई तो गेमीट्स आपके ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे फ्रॉम टेस्टीज इनटू द वासा एफरेंशिया. सो करेक्ट आंसर इज सी. ऑल राइट,
गाइस डू नॉट बी फूल्ड बाय द आंसर्स मार्क्ड हियर, वो आपकी कंफ्यूजन के लिए भी हो सकते हैं, सो यू हैव टू चेक ऑल द आंसर्स. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. रीड द केयर ऑप्शंस केयरफुली. गिवन बिलो आर द फोर स्टेटमेंट्स ए बी सी डी. रीड द स्टेटमेंट्स एंड मेंशन वेदर दे आर ट्रू एंड फॉल्स. चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए द करेक्ट आंसर इज सी. सो मोरूला हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीवेज्ड जाइगोट बट मोर डीएनए. आई जस्ट टोल्ड यू कि एम्ब्रियोनिक हर एक एम्ब्रियोनिक डिवीजन के साथ क्लीवेज के साथ डीएनए बढ़ता जाएगा और साइटोप्लाज्म कम होता जाएगा, राइट. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ओव्यूलेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड एलएच सर्ज. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एलएच सर्ज से पहले ईस्ट्रोजन का सर्ज आता है 11th से 12th डे के बीच में, तो ईस्ट्रोजन के इंक्रीज की वजह से ही एलएच सर्ज होता है. पॉजिटिव फीडबैक, यस, ऑल राइट. एंड देन गोनाडोट्रोपिन्स इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. बिल्कुल, फॉलिकुलर फेज में इनका नंबर भी इंक्रीज होगा. एंड देन ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटम इज इनिशिएटेड बाय एचसीजी. तो ये ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटम इज इनिशिएटेड, इट इज नॉट इनिशिएटेड बट इट इज मेंटेन्ड. तो इनिशिएटेड वर्ड इज रॉन्ग, सो करेक्ट वर्ड शुड बी मेंटेन्ड. इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. चलिए ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. बताइए ड्यूरिंग द ऊ जेनेसिस द फर्स्ट मियोटिक डिविजन इज अकर्स वेन. क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबडी लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन नंबर 9. गाइस क्वेश्चन नंबर 9, मनु राणा इज द फर्स्ट वन टू आंसर, बट मनु ने आंसर करेक्ट नहीं दिया. विनय इज रॉन्ग. सार्थक गुप्ता इज द फर्स्ट वन टू गिव अ करेक्ट आंसर. सो गाइस ड्यूरिंग ओजेनेसिस जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है प्रायर टू ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी ओसाइट का, सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी, एंड बोथ दीज स्ट्रक्चर्स दे आर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. सो करेक्ट आंसर इज ए. डेलाइट इट कैनॉट बी बी, सॉरी डी. बिफोर बर्थ नहीं होता है, बिफोर बर्थ सिर्फ ग्रोथ फेज कंप्लीट हुई होती है. मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है बिफोर बर्थ बट इट डजंट कंप्लीट. तो इट अकर्स कंप्लीटली प्रायर टू ओव्यूलेशन. तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ए. जो मियोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट बिल्कुल बिफोर बर्थ हो जाती है बट इट इज अरेस्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज. क्लियर? ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हॉर्मोन इट्स सोर्स एंड एक्शन. इनकरेक्ट बताना है, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे. मनु राणा एंड रमेश एंड सुरेश दे आर सेइंग वन. गाइस जल्दी से चेक कीजिए. देखिए ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड इट एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लीडिंग टू पार्चुरेशन. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसने आपको इनकरेक्ट बोला है. सो आई एम टेलिंग यू डू नॉट बी बिफूल्ड बाय द टिक मार्क्स गिवन ऑन द क्वेश्चन. सो ए इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑक्सीटोसिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इसका सोर्स हाइपोथैलेमस ही है. रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम से आएगा ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलैक्सेस द पेल्विक जॉइंट्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आएगा एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन. सो ऑल दोज ऑफ यू हु हैव आंसर्ड इट सी, आई कैन सी MU यादव इज द फर्स्ट वन टू से आंसर इज सी. गाइज इनकरेक्ट ढूंढना है. सो आई एम टेलिंग यू डू नॉट गेट बिफूल्ड, डू नॉट बी बिफूल्ड बाय टिक मार्क्स गिवन इन द क्वेश्चन.
कशिश व्हाई वुड इट बी बी. बच्चे रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी. अभी तो हमने क्वेश्चन किया था ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वही कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जी एन आर एच जो है आर एच रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस व्हाइल हियर इट इज गिवन इंटीरियर पिट्यूटरी. यहाँ पे जी एन होना चाहिए था या फिर यहाँ पे हाइपोथैलेमस होना चाहिए था. इन दैट केस द ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट. चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. रमेश क्यों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे, ये लास्ट टाइम है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का. पेल्विस जॉइंट का मतलब है किम जोंग. पेल्विस इज योर हिप गर्डल. तो दो कॉक्सल बोन्स का जो जॉइंट है प्यूबिस सिम्फिसिस उसकी रिलैक्सेशन करवाएगा. हेलो सोनी कुमार. धीरज सेज आंसर इज टू. प्लीज रिव्यू योर आंसर एवरीबॉडी. चलिए देखते हैं. इट इज नॉट करेक्ट बोला है अबाउट ल्यूटियल फेज. इट इज कॉल्ड सिक्रीटरी फेज. एब्सोल्युटली कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस टू डेवलप एंड सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ओके ये भी करेक्ट है. क्या गलत है बी में? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज. एज अ रिजल्ट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज एब्रप्टली. गाइस प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करेगा ईस्ट्रोजन का नहीं, इसलिए सी इज द रॉन्ग आंसर. एंड 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ल्यूटियल फेज यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट 14. ठीक है एंड द आंसर वुड बी 21. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो नॉट करेक्ट पूछा गया है. Therefore, the correct incorrect answer is C. So all those who have answered C are correct. और बाकी अपनी गड़बड़ देखो क्या कर रहे हो. चलो question number 12. Read the following statements A and B and choose the correct option. Read the statement. The endometrium is sloughed because of abrupt withdrawal of progesterone. As a progesterone level falls, the arteries of endometrium go into spasm, depriving a part of endometrium of its blood supply. Madhur Sati, corpus luteum estrogen bhi secrete karta hai, but in very small amount. So, aisa nahi hai ki wo nahi secrete karega, it does. So, 12 ka correct answer hai C. And I saw Ramesh Khan as the first one to answer it. Yes, Ramesh Khan is the first one to answer it correctly. कि statements दोनों सही हैं. Endometrium slough off होता है अगर progesterone withdraw हो जाए, और progesterone जैसे ही level fall करेगा arteries जो हैं they will contract, spasm में चली जाएंगी, blood supply नहीं मिलेगी endometrium को, और जैसे ही blood supply खत्म होगी it will start sloughing off, यानी कि उसका corrosion, उसका erosion शुरू हो जाएगा, वो loose होके remove होनी शुरू हो जाती है. So both statements are correct and B is the correct reason of A. This is the correct answer. Chale, moving on to question number 13. So at puberty, each ovary has 60,000 to 80,000 primary follicles and only 450 ova are produced in human female. Other follicles degenerate. Degenerating ovarian follicles are known as. Let's see. चलिए मनु सेज इट इज ए. सुरेश सेज बी. अंजलि सोनी इज द फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली. द करेक्ट आंसर इज सी. तो जो डी जनरेटिंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसके लिए टर्म यूज होती है एट्रेटिक. गाइस एट्रीशिया का मतलब होता है, एट्रीशिया मींस डी जनरेशन. तो जितने भी बाकी रह जाएंगे वो डी जनरेट कर जाएंगे. ठीक है, तो degenerating ovarian follicles are known as atretic follicles. चले moving on to question number 14. देखिए, so placenta is connected to the embryo through umbilical cord which is formed by. तो हमारा placenta, हमारी umbilical cord कौन से extra embryonic membrane से बनती है? तो you have to answer that. Is it yolk sac amnion? So quickly mark the correct answer. So correct answer is Usha Mundal and Sarthak and Sai Prasad has said correct answer Khushbu.
यस सूर्यांश, सो करेक्ट आंसर इज डी. सो हमारा जो प्लेसेंटा है गाइस, वो एलेंटोइस और योक्स सॉरी वो एलेंटोइस और कोरियन से बनेगा. सो करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे. हियर 14 का आंसर है बी बॉम्बे, एलेंटोइस एंड कोरियन. तो जिसने बी आंसर दिया था दे वर राइट. बी आंसर किसी ने भी नहीं दिया है. प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू. करेक्ट आंसर इज सॉरी करेक्ट आंसर इज डी. अभी डी तो लिखा था. करेक्ट आंसर इज डी, एलेंटॉयज एंड योक सैक. बट अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो हमारा प्लेसेंटा दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एलेंटॉयज एंड कोरियन. सो प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज. प्लेसेंटा का नेचर एलेंटॉयज और कोरियोनिक है, ठीक है, लेकिन इट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एम्बिलाइकल कॉर्ड, और एम्बिलाइकल कॉर्ड बनती है एलेंटॉइस और योक सैक से. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, मार्क द इनकरेक्ट मैच. केतन आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर देखना है. दैट इज ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ द कॉन्सेप्ट्स आर राइट यू विल बी एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, एंड इफ यू आर एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस, नीट में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता. चलिए मार्क द इनकरेक्ट मैच. मेन करेक्ट मैच फॉलो फाइंड आउट करेंगे. सो गाइस फेट ऑफ जर्म लेयर्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फेट ऑफ जर्म लेयर्स, सो लेट्स सी. सो करेक्ट आंसर इज एंडोडर्म. इनकरेक्ट, लिवर, पेंक्रिया, स्प्लीन, इनका एंडोडर्मल ओरिजिन नहीं है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स का एक्टोडर्मल है. नर्वस सिस्टम आपका जितना होता है मोस्टली एक्टोडर्मल है, ठीक है. हार्ट, किडनीज एंड गोनाड्स, दे आर मीजोडर्मल. एंड नोटोकॉर्ड, मसल्स एंड बोन्स, दीज आर ऑल मीजोडर्मल. सो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑल राइट का करेक्ट होगा मीजोडर्म. यस, लिवर, पेंक्रियाज एंड स्प्लीन, दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म. परफेक्ट, शिल्पा इज एब्सोल्युटली राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 16. सर्विकल ग्लैंड स्टार्ट सिक्रीटिंग विस्कस म्यूकस फॉर फिलिंग द सर्विकल कैनाल टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव प्लग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ. जल्दी से बताइए तो सर्विकल म्यूकस जो है उसको कौन सिक्रीट करता है. एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स सी हु आंसर्स इट करेक्टली. यस सोबिया, नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल एक्सेप्ट माइक्रोग्लाइल सेल्स. वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर इज गिवन बाय अंजलि, सोनी, डेलाइट, सलमा एंड सुरेश, सार्थक. मेनी ऑफ यू नो द करेक्ट आंसर. सो 16 का करेक्ट आंसर है ए. तो प्रोजेस्टेरोन है जो सर्विकल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और सर्विकल ग्लैंड सिक्रीट करेंगी म्यूकस, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव प्लग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. नाउ दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड. लेट्स सी कौन सॉल्व करता है इसको. हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 स्पर्मेटोजोआ. एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स कैलकुलेट. Hasneen Sadaf, if you are interested in joining the Telegram channel, you should join it by there's a link given in the description box. So aap wahan se Telegram channel join kar sakti hain. All right, Dr. Rahmani says one, which is not right. Suryansh is the first one to answer it correctly. Option is B. गाइज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने चाहिए होंगे टू फॉर्म 200 स्पर्मेटोजोआ. तो डबल हो जाएगा नंबर एंड आंसर वुड बी 100, ठीक है. तो देखिए रेशो क्या रहती है, एक स्पर्मेटोगोनिया, वन स्पर्मेटोगोनिया विल फॉर्म वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच विल फॉर्म टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दिस विल फॉर्म फोर स्पर्माटिड्स. सो अगर हमें 200 स्पर्माटिड्स या स्पर्म्स चाहिए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने होंगे,
उसका हाफ एंड द आंसर इज 100. ऑल राइट, बी इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट? प्याली प्याली रिव्यू करो अपना एक बार आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय प्याली एंड यस इट इज ए. सो ब्लास्टोसिस्ट इज नॉट अ 16 सेल्ड सॉलिड एम्ब्रियो. 16 सेल्ड सॉलिड एम्ब्रियो इज मोरूला. ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फॉर ब्लास्टोसिस्ट कि इसी की फर्टिलाइज 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसी की एम्बेडिंग होगी विच इज नोन एज इम्प्लांटेशन. तो यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो इम्प्लांटेशन शो करती है? दैट इज ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, ब्लास्टोमियर्स जो है उनकी आउटर लेयर से ट्रोफोब्लास्ट बनेगा और अंदर वाली लेयर से इनर सेल मास बनेगा. और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम से और बनाएगी कोरियोनिक विलाय यानी प्लेसेंटा. और इनर सेल मास जो है डिफ्रेंशिएट होकर बना देते हैं एम्ब्रियो, इसीलिए इनर सेल मास को एम्ब्रियोनिक मास भी कहते हैं. एम्ब्रियोनिक मास ऑफ सेल्स या एम्ब्रियोनिक नॉब बोल देते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. गौरव, डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रुला एंड ब्लास्टुला. गैस्ट्रुला के अंदर आर्केंटरॉन डेवलप हो जाता है. ब्लास्टोसील जिस दिन खत्म हो गई ना ब्लास्टुला से, उस दिन गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जर्म लेयर्स का बनना शुरू हो जाता है. दैट इज गैस्ट्रुला. सो ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसील एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, दैट इज गैस्ट्रुला. ऑल राइट, सो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द ओवम डाइज इन डैश आवर्स. 19 का करेक्ट आंसर गाइज. सो करेक्ट आंसर टू 19, विनय मिश्रा इज द फर्स्ट वन टू आंसर एंड आंसर इज सी. सो 24 आवर्स के अंदर ओवम की डेथ हो जाएगी और स्पर्म्स हाउएवर सर्वाइव अप टू 3 डेज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. वन करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी इज 24 and 3. चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. थैंक यू सो मच रमेश खान. सो गाइस जल्दी से शेयर करेंगे. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लेट्स सी, हाउ मेनी सेल्स इन ब्लास्टोसिस्ट मोर देन 32-64 सेल स्टेज इज ब्लास्टोसिस्ट? 32 से 64. योक साक का ऋतुजा हमारे केस में कोई फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर हीमोपोएसिस. ठीक है, हमारे योक साक में योक तो होता नहीं है बट यस इट डज प्ले हीमोपोएटिक टिश्यू एज अ हीमोपोएटिक टिश्यू मीन्स ब्लड फॉर्मेशन करता है जब तक लिवर नहीं बन जाता. चले सो करेक्ट आंसर 20 का करेक्ट आंसर है डी गाइज. सो इनकरेक्ट, ड्रोन्स आर स्टेराइल? नो, ड्रोन्स आर फर्टाइल, दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, विपटेल लिजर्ड शोज नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. हनी बीक में फंक्शनल मेल डज नॉट अंडरगो मियोसिस ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन. यस, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं तो गेमीट्स आर ऑलरेडी हैप्लॉइड. ठीक है, क्वीन हनी बी कैन ले 2 types ऑफ एग्स, फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज. एब्सोल्यूटली ट्रू. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन. At what stage of ovarian cycle are mammalian eggs most likely to be fertilized? Let's see. Yes, Sanjana. Parthenogenesis is a method used by drone. Anjali, यही तो आदत डालनी है कि जल्दी जल्दी में हम कैसे क्वेश्चन को सही पढ़ें और सही आंसर दें. गाइज, आपका एम होना चाहिए कि इन 10 दिनों में आप 20 सेकेंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम नहीं लगाएंगे. चलिए सो लेट्स सी. 21 का करेक्ट आंसर है, विनय मिश्रा हैज आंसर्ड इट करेक्टली, बी. रफीक, परवीन, भव्या, ऑल राइट, द करेक्ट आंसर इज बी. सो मोस्ट लाइकली टू बी फर्टिलाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, जैसे ही ओव्यूलेशन होती है अगर तब स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं तो तभी ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन.
If we could monitor the amount of total gonadotropin activity in pregnant female, we could expect. Haji, this is tricky. I'll consider it a difficult question. 22. Let's see who can answer this correctly. Let's see. Question 22 ka correct answer kaun deta hai? Arun. Arun is the first one to answer it correctly. And he says answer is D. We would expect, agar hum monitor karein total gonadotropic activity in the pregnant women, we would expect high levels of HCG. दो तीन बार ये कॉन्सेप्ट आ गया, HCG प्रेगनेंसी का टेस्ट भी देता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा ताकि प्रोजेस्टेरोन बन सके, टू स्टिमुलेट द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस. दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है जी, ऑल राइट गाइस. थ्री नहीं होगा. HCG का हाई लेवल टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, नो, नॉट ओनली एंडोमेट्रियल थिकनिंग, ओवरऑल कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है, प्रोजेस्टेरोन की एनहांसमेंट करानी है, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होंगी, तो बहुत कुछ होगा प्रोजेस्टेरोन से. सिर्फ एंडोमेट्रियम थिकनिंग नहीं चाहिए हमें, हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन. यस, नाउ देयर वाज दिस क्वेश्चन, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी में डिफरेंस. गाइस, डिफरेंस है कि पार्थिनोजेनेसिस हम एनिमल्स के लिए टर्म यूज करते हैं और पार्थिनोकार्पी प्लांट्स के लिए टर्म यूज होती है. केतन शाह, आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन. So, which of the following is not true for human development? Guys, jaldi se share kar denge ise. So, which is not true pucha gaya hai for human development? Question number 23. Ellen Toys ka hamare andar rujta excretory role hai, zyada koi khas role nahi hai Ellen Toys ka. Chale. क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय सूरज त्यागी. सूरज त्यागी से द करेक्ट आंसर इज सी. सो नॉट ट्रू पूछा है. नॉर्मल डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय वायरल डिजीजेस. दिस इज नॉट करेक्ट गाइस. अगर प्लेसेंटा के थ्रू मीजल्स जैसे वायरस, सॉरी मीजल्स जैसे वायरसेस एंटर करते हैं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर एंटर करती है इनटू द फीटस, तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. नॉर्मल डेवलपमेंट विल बी अफेक्टेड बाय द वायरल डिजीजेस, इवन इफ मदर गेट्स अफेक्टेड बाय द वायरल इन्फेक्शन. ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर इज सी, कि ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज अफेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन. ऑल राइट, which of the following is not true for the follicular phase of ovarian cycle? Let's see. 24 ka correct answer, Aarti Kumari, kaun sa question aapko clear karna hai, please mention the question number. यादव, थैलिडोमाइड्स जो होते हैं ये मॉर्निंग सिकनेस के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन दे हैव वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द फीटल डेवलपमेंट. टेराटोजेंस होते हैं, इससे कि इससे आर्म्स एंड लेग्स यानी लिम्ब डेवलपमेंट नहीं हो पाती इन द फीटस, सो दे हैव टू बी अवॉइडेड. ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर फॉर 24 इज बाय गिवन बाय डे लाइट, दैट इज बी. सो विच इज ट्रू फॉर द फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज ends when the ovulation occurs. नहीं, ये तो गलत हो गया. It stops estrogen production. It starts when fertilization occurs when LH level drops. The correct answer is 24 का answer is occurs when LH level drops to zero. Guys, ये कैसे हो सकता है LH level falls to zero? 24 का आंसर इज बी, बी बॉम्बे. इट एंड्स व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स. इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहां एंड्स एंड ओव्यूलेशन होना चाहिए, एंड्स एंड ओव्यूलेशन अकर्स. सो वील स्किप दिस क्वेश्चन नंबर 24, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी. चले 25 पे आते हैं. हाउ आर सीमेन एंड स्पर्म रिलेटेड? चले
Dr. Rimani, I do come on Telegram, but there are so many questions, so many these channels that I am actually trying to answer each and everyone's question. Chale, how are semen and sperm related, guys? Let's see who answers the question number 25. So, Usha Mundal says 4. Piali, Sanjana, Nupur, 4. So, 4 is the correct answer here. Semen is a seminal plasma along with sperms. So, seminal plasm plus sperms ko mila ke hum bolte hain semen. ठीक है तो सीमन के अंदर स्पर्म्स प्लस जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन आएगी तो बाय प्रोस्टेट प्रोस्टेटिक फ्लूड आ जाएगा प्रोस्टेटिक फ्लूड के अलावा यहाँ पे सेमिनल फ्लूड आएगा सो टुगेदर इट इज नोन एज सीमन सो करेक्ट स्टेटमेंट इज डी चलिए सेमिनल प्लाज्मा है 60% फ्रॉम द यस सेमिनल वेसिकल्स तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन सेमिनल प्लाज्म का ही रहता है वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर 26 I speed up. We have still many questions to go. Given below are two statements A and B. Study the statement and correct. Choose the correct option. Do not take more than 20 seconds. 26 question ka correct answer. So woman's reproductive life generally ends at menopause, which occurs at about age of 50 when ovulation ceases. After menopause, 26 का करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले संजना खन्ना ने एंड आंसर इज सी आफ्टर मेनोपॉज द ब्लड गोनाडोट्रॉपिक लेवल राइजेस मार्केडली तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट दे आर नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए ऑल राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन सिग्नल्स फ्रॉम पार्चुरेशन गाइज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली Signals from parturition originate from the fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contractions and are called dash. 27 ka. Correct answer is. Alright Yadav, I'll come back to question number 24 in a while. Nupur is the first one to give the correct answer that is C. So, यूट्राइन contractions, ये इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फीडबैक द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्सेलरेट्स ड्यूरिंग द लेबर द करेक्ट ऑप्शन इज सी चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 टेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइस इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली गुड इवनिंग प्रकाश कुमार यस पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है जैसे इंक्रीज एक हार्मोन इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा ठीक है चलिए नेवर माइंड प्रकाश देर आर स्टिल लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 40 से 50 क्वेश्चंस टुडे रुजुता पेपर का लेवल ऐसा ही होगा ठीक है हम अपने आप को बिल्कुल वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे बट वो हमेशा मिक्सचर आता है तो इस बार नीट का लेवल जैसा नीट का लेवल होता है वैसा बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि एम्स की सिलेक्शन भी इसी से होनी है तो मे बी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है सो वी हैव टू प्रैक्टिस बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है एंड द करेक्ट आंसर इज डी प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट्स एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ यूट्रस दिस इज रॉन्ग प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है जब तक ये रहेगा तब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी ठीक है जी ऑल राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया लेट्स सी 29 का करेक्ट आंसर क्या है गाइस क्वेश्चन नंबर 29 एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय गौरव ताक एंड इट इज क्लिटोरिस सो क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया ऑल राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30 टेक द इनकरेक्ट वंस अगेन तो इनकरेक्ट मैच बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 30 एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 30
infundibulum, last part of the oviduct, fimbriae, ampulla, isthmus. किसके बारे जो ऑप्शन दी है वो गलत दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय सार्थक गुप्ता हु सेज आंसर इज ए. इनफंडिबुलम इज नॉट द लास्ट पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, लास्ट पार्ट होता है दैट इज इस्थमस. सो रेस्ट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फिम्ब्रिय कलेक्शन करेगा, एम्पुला वाइडर पार्ट होता है एंड फर्टिलाइजेशन होगी, एंड इस्थमस इज अ नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट्स विद द यूटरस. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 31. सो गाइज मजा आ रहा है ज्यादा से ज्यादा स्पीडी क्वेश्चंस करके. जल्दी से बताइए, इफ यू आर लाइकिंग इट गिव मी अ थम्स अप. हु इज लाइकिंग द सेशन एंड वॉन्ट्स दैट इट शुड बी कॉन्टिन्यूड. जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर इज डी. All right, all those who have answered it D are correct. Estrocycle is not associated with female animal, may receive the male at any part of the cycle. So estrocycle ka matlab hai ki inka these are seasonal breeders. Theek hai, estrocycle is in the seasonal breeders, so they are not always sexually active. They will not receive the male at any part of the cycle, only during the estrus phase, jab unka heat period chal raha hai. Estrus phase also known as heat period. All right. Now after this question, jaldi se guys mujhe bata dijiye who is liking this session a lot and who wants it to be continued. Kal kon kon health and diseases ka questionnaire prepare karke aayega, questions prepare karke aayenge and we all right. Koi baat nahi padha hai. Jaldi se bataiye. वॉट इज एनेस्ट्रम नॉन सीजनल ब्रीडर्स. जो उनका नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है दैट इज नोन एज एनेस्ट्रम. लविंग इट. ऑल राइट, मिंटी कराना चाहिए अंजलि. मिंटी भी होगा, बिल्कुल होगा मिंटी. तो मिंटी होगा कल, कल 2 बजे आई विल बी कंडक्टिंग अ मिंटी क्विज, सो डू नॉट मिस ऑन दैट. ठीक है जी, तो कल फुल ऑन सिलेबस में से हम लेंगे एक मिंटी क्विज एट 2 PM. Please go ahead, Mihir, and ask your doubt. All right. Hi, Nalini Prava. Cool. So, guys, if you're liking this session, hit the like button and also share it with your friends. So, जैसे ही आपको notification आती है, आपको इसे share करना है. You have to spread the word. We are doing very hard work for all of you guys. ठीक है? 13 September तक, जब तक आपका exam नहीं हो जाता, and even after that, we will be there for you. ठीक है, तो लास्ट मोमेंट तक हम सब लास्ट मोमेंट तक प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की. ऑल राइट, चलिए ठीक है. मेकाला वील इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द मिंटी. ओके, कॉर्पस ल्यूटियम गाइस सिक्रीट्स डैश व्हाइल लेडिक सेल्स सिक्रीट दैट डैश. सिंपल क्वेश्चन है, 32 का करेक्ट आंसर कौन देगा. लेट्स सी. Estrocycle does not take place. Yes, estrocycle does take place in the cattle. Sorry, non-primate females jitni bhi hain sab mein estrocycle rahega. Nahi Sobhya, main kisi ko ignore nahi kar rahi hu. I'm just busy with asking lots of questions. Thank you so much Manisha. Mekala, 40 questions in Minty is not possible. But 50 questions are possible in this 8 PM wala session. तो इस session में हम बहुत सारे questions discuss करेंगे. ठीक है जी. ऑल राइट, तो क्वेश्चन 32 का करेक्ट आंसर बताया गया है बाय मेनी स्टूडेंट्स एंड दैट इज बी. सो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन और लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन. लेडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स. ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. सो मार्क द रॉन्ग आइटम इन ईच सीरीज. लेट्स सी. रुजता, 5 से 10% पेपर जो है वो आउटसाइड एनसीईआरटी आता है बच्चे, तो वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हियर. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा. लेट्स सी हु विल आंसर द करेक्ट आंसर, हु विल गिव द करेक्ट आंसर. सॉरी, रमेश खान हैज सेड करेक्ट आंसर इज सी. आरिश, प्रकाश, नॉट प्रकाश, आरिश एंड देन केतन, अदिति,
रफीक, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज सी गाइस. तो फर्स्ट में से रॉन्ग स्टेटमेंट इज टेस्टिस, क्योंकि बाकी सारी ग्लैंड्स हैं और ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. सेकंड में ओवरी, अगेन बाकी एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं एंड ओवरी इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. देन इसके बाद आती है पोलर बॉडी, क्योंकि ये डीजनरेट करेगी, बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे. एंड देन यूरेटर्स, यूरेटर्स जो हैं वो ब्लैडर से स्टार्ट होते हैं, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, बाकी ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. सो करेक्ट आंसर इज सी. चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. इनकरेक्ट मैच, लेट्स सी इनकरेक्ट मैच गाइस फाइंड आउट करना है. 34 में आइसोगैमी, एनआइसोगैमी, एक्रोसोम या मायोमेट्रियम. लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है? Daylight is the first one to answer and the correct answer is D. Myometrium, yes, cyclic changes show नहीं करता है. Cyclic changes are shown by endometrium. Yes, simple question था. ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. मनु राणा, हाउ वुड इट बी एक्रोसोम? एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से ही बनता है. यस, इट शुड बी एंडोमेट्रियम. चले क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन. सो विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा is present in human beings? Let's see which type of placenta is found in human beings. Guys, review करेंगे अपने answer को एक बार. जिनको भी D लग रहा है, 35 का D या C लग रहा है, this is wrong. Arun Kumar is the first one to answer it correctly. It is hemochorial and deciduate. सो हीमोकोरियल का मतलब सिर्फ फीटल मेम्ब्रेन्स पार्टिसिपेट करेगी, दैट इज हीमोकोरियल. डेसीडुएट का मतलब होता है हमारा और यूट्राइन और फीटल मेम्ब्रेन जो है, देयर इज क्लोज कनेक्शन बिटवीन देम. ठीक है, बहुत टाइट कनेक्शन होता है और उसके बाद रेमनेंट रह जाता है. जो नेवल है, दैट इज द कनेक्शन, दैट वॉज आर एम्ब्रियोनिक कनेक्शन विद द मदर, जहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. तो उसका कुछ पार्ट रह जाता है, ठीक है, दैट इज डेसीडुआ. सो डेसीडुआ जिसमें रहेगा, दैट इज डेसीडुएट. सो आर प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल एंड डेसीडुएट. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36. हाउ इज द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इन टू द ओवम प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग प्लेस? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36. यस डॉक्टर रेमानी, डेसीडुएट जो है, डेसीडुआ जो है, दैट इज शेड ऑफ, शेड लेटर ऑन. ऑल राइट, चलिए शोभिया ये गलत होंगे, बट आई एम सो श्योर आफ्टर सेकेंड और थर्ड डे आपके बहुत सारे इंप्रूव होने भी शुरू हो जाएंगे. क्यों रुजिता, वाई आई एम सो क्लेवर? यू हैव टू बी क्लेवर इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. 36 का करेक्ट आंसर इज डी. सो मेनी स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली. 36 का है डी. यस, विनेश मिश्रा एंड ईशा चित्रोल आर द फर्स्ट वन टू आंसर कि इन सारी प्रोसेसेस से डीपोलराइजेशन हो जाती है एक मेम्ब्रेन की. जैसे स्पर्म उसको टच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिलीज इन द जोना पेलुसिडा, मेकिंग इट वेरी हार्ड कि और कोई भी स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, एंड जोना रिएक्शन होगा. ठीक है, सो यस, जोना रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट का रिलीज होना. सो ऑल ऑफ दीज विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी. More than one sperm cannot enter the ova. Moving on to question number 37. All right. Question number 37. Go through the diagram and then answer it. Labeling आपको सही आनी चाहिए. चले. You'll be revising all the diagrams given in NCERT and I have already taken very special session on revising the biology through diagrams. उसमें हमने इसको discuss भी किया था. 37 का correct answer. Hi Dipti, I am very fine. चलिए 37 का correct answer is given by Isha and that is B. सो ए गाइज इज द सेमिनल वेसिकल, ये देखिए जो ऊपर आ रही है, दिस इज सेमिनल वेसिकल. बी इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो चेस्ट नॉट शेप्ड है. सी यहाँ पे बल्ब शेप, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड. डी वुड बी यूरेथ्रा एंड ई वुड बी टेस्टीज. एफ वुड बी वास डेफरेंस. सो दीज आर द लेबलिंग्स.
All right, moving on to question number 38. Which amongst the following has 23 chromosomes? All right, 23 chromosomes, guys, 38 में बताएंगे कि किसके अंदर होते हैं. 38 का करेक्ट आंसर, 38 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय अंजलि कर्ण, दैट इज सी. सो सेकेंडरी ऊसाइट इज हैप्लॉयड, तो उसके अंदर होंगे 23 क्रोमोसोम्स. बाकी सारे के सारे डिप्लॉयड है, एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एज वी नो. सो करेक्ट आंसर इज सी. चले मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39. गाइस, वील स्पीड अप, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स टू गो एंड वी कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39, एवरीबडी. If there is a tearing of inguinal tissue by any means may result in bulging out of loop of intestine into the scrotum, this is known as, let's see, this is known as, all right, 39 ka correct answer sabse pehle diya hai Hasneen Sadaf ne, that is inguinal hernia. Anjali, Soni, Rujuta, Mihir, Prakash, Sameer, Buland YouTuber, all of them are very right. So, अगर intestinal bulging out हो जाती है, यानी extra growth बाहर की तरफ होगी और scrotum में वो loop in करती है, bulge out करती है, that is hernia. तो inguinal canal के through वो intestinal loop जो है वो scrotum में enter करेगा and then it can actually block the vas deferens. It can become one cause of male infertility as well. Moving on to question number 40. So the main source of estrogen and progesterone in first trimester of pregnancy, guys. चले कोई बात नहीं दीप्ति, अगर NCERT वैसे 5 से 10% जो questions हैं वो NCERT से तो बाहर आने ही हैं, तो we are practicing these questions. Vansh Sharma is the first one to answer, but Vansh वो answer गलत है, ठीक है. So correct answer is first given by Isha. So, Isha is correct. So, progesterone in the first trimester pregnancy mein is produced by corpus luteum or second trimester mein it is produced by placenta. Correct answer is A. 40 ka answer hai A. Moving on to question 41. का करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल हार्मोन इज प्रोड्यूस थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड इट्स एक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन. 41 का करेक्ट आंसर, गाइस द हिंट इज गिवन इन द आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. लेट्स सी, फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली इज अंजलि, अंजलि कट. सो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जैसे एक्शंस किसके होंगे, ह्यूमन प्रोलैक्टिन के. आंसर इज सी, इट कैन नॉट बी एचसीजी. एचसीजी तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ग्रोथ हार्मोन या प्रोलैक्टिन की तरह एक्ट नहीं करेगा. चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42. गिवन बिलो आर द फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. मार्क द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब्स the given method of reproduction. 42 ka correct answer is first given by Buland YouTuber and it is C. So guys, ye aapki speed ka bhi test hai. Is quiz ke dauran aapki speed bhi develop hogi. 20 seconds se zyada question ko nahi dene hai. I know kuch questions will take longer time, no doubt, but we have to strive a level best कि हम 20 सेकेंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं देंगे. सो गाइस, करेक्ट आंसर है सी. सो सी इज सेक्सुअल, तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. गिमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होगी और उसके बाद जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी उसमें माइटोसिस चलेगी. एंड देन रोल इन एवोल्यूशन बिकॉज इट इज बाय पेरेंटल, ठीक है. चलिए, विच आर रिलेटेड इन एनिमल्स एंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सो दोनों हेल्प करेंगे इन एवोल्यूशन. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43. लेट्स सी, क्वेश्चन पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस.
सो 43 का फर्स्ट आंसर जो करेक्ट देगा, लेट्स सी हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर। 43 का करेक्ट आंसर इज सी, इट इज गिवन बाय समीर शाह, अदिति, हर्ष प्रेम, अक्षदा। सो करेक्ट आंसर इज सी गाइस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जिसका प्लेन ऑफ डिविजन पास करता है, दैट इज यूक्लिना। आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44, द डेवलपमेंट ऑफ एग इंटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हैज ऑल द एडवांटेजेस एक्सेप्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्थिनोजेनेसिस। लेट्स सी, पार्थिनोजेनेसिस से रिलेटेड 44 का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय अंजलि एंड करेक्ट आंसर इज बी। सो जो पार्थिनोजेनेसिस है, इट इलिमिनेट्स द वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो सिंगल पेरेंटल है, मोनोपेरेंटल है, तो उससे वेरिएशंस इलिमिनेट नहीं होंगी। राधा, क्योंकि जो पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आगे जरूर पास ऑन हो जाएंगे, तो इट डज नॉट इलिमिनेट, इट कंजर्व्स द फीचर्स ऑफ द पेरेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज बी बिकॉज इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चले क्वेश्चन नंबर 45, विल टेक अनदर 2 or 3 मिनट्स एंड कंप्लीट द सीरीज। चलिए, प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट इंटू मेनी मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स इज सीन इन। गाइज, अगर टेक्निकल इश्यू आ रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है, प्लीज स्टे विद मी, ठीक है? डजेंट मैटर, आज हम 50 क्वेश्चंस करके जाएंगे। अनदर 5 क्वेश्चंस टू गो, अनदर 5 मिनट्स एंड वी विल बी डन। सो 45 का करेक्ट आंसर इज सी, गोनियोलक्स, एंड 45 का करेक्ट आंसर इज गिवन बाय अंजलि, मॉमी, मेनी स्टूडेंट्स, सलमा, सूर्यांश, वेरी गुड। सो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट से मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स जो बनेंगे, दैट इज सीन इन गोनियोलक्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46, हियर द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स इनटू द फीमेल इंडिविजुअल्स इज नोन एज। लेट्स सी, पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पार्थिनोजेनेसिस। सो 46 में, 46 का करेक्ट आंसर इज गिवन बाय शोभा रानी, दैट इज सी। गाइस, फीमेल्स अगर बनती हैं तो ऐसी पार्थिनोजेनेसिस को हम बोलते हैं थेली टोकी। आर्हिनी टोकी में सिर्फ मेल्स बनेंगे, थेली टोकी में सिर्फ फीमेल्स बनेंगी, और एम्फी टोकी में फीमेल्स एंड मेल्स दोनों बनेंगे। यहाँ पे फीमेल्स पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर इज सी। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। अनदर 3 क्वेश्चंस टू गो, जल्दी से मार्क कर देंगे। 47 में नॉट मैच्ड करेक्टली बोला गया है। सो आरिश शाह इज द फर्स्ट वन टू आंसर दैट डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है वो लार्ज साइज पे डिपेंड नहीं करती है। सो मैक्सिमम एंड लार्जेस्ट एनिमल होगा जो, यानी लार्ज इन साइज होगा उसी का लार्ज लाइफ स्पैन होगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट डेफिनेट, डेफिनेटली। सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। इमोर्टल सिंगल सेल्ड होते हैं बिकॉज दे डिवाइड टू फॉर्म देयर डॉटर सेल्स। एवरेज लाइफ स्पैन डिपेंड करता है सर्वाइव बाय मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। नाउ दिस इज एनसीईआरटी, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। 48 का, गाइस 48 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48, एंड यू हैव टू आंसर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो 48 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गिवन बाय प्रथम एंड इट इज मियोसाइट। गाइस, मियोसाइट्स आर डिप्लॉयड। मियोसाइट्स आर द सेल्स विच विल अंडरगो मियोसिस, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 में। तो मियोसाइट है विच विल अंडरगो मियोसिस, तो जिसमें मियोसिस होनी है वो खुद डिप्लॉयड होगा। चलिए,
Moving on to question number 49. Find out the correct statement. Question number 49 on your screen. Let's see. 49 में फर्स्ट आंसर 49 का फर्स्ट जो करेक्ट आंसर है दैट इज गिवन बाय सार्थक गुप्ता दैट इज डी. करेक्ट स्टेटमेंट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज वल्वा. तो वल्वा के अंदर क्या क्या पार्ट्स आएंगे मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजरा माइनरा हाइमन एंड क्लिटोरिस. ठीक है जी. सो करेक्ट स्टेटमेंट इज डी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन क्वेश्चन नंबर 50. Consider the following statements with two blanks A and B. In the human testes, the regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and dash cells which synthesize and secrete testicular hormones are called. Let's see. Question number 50 ka correct answer jisne abhi diya hai that is Sarthak Gupta once again. Sarthak, aapki speed bahut achhi chal rahi hai. सो क्वेश्चंस भी गलत मत करना. स्पीड बहुत अच्छी चल रही है. एवरीबडी ऑल दोज ऑफ यू हु आर आंसरिंग इट लेस देन 20 सेकेंड्स बहुत मस्त तैयारी है. ठीक है बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड एवरी डे एट 8 PM आई विल बी ब्रिंगिंग न्यू 50 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है जी. एंड कल 2 बजे हमारा होगा एक मिंटी क्विज एंड 8 o'clock वील हैव अनदर दमदार 50 क्वेश्चंस टू डिस्कस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड एनिमल ब्रीडिंग. सो आई सी यू टुमारो वंस अगेन विथ फुल ऑन तैयारी. आज एक सरप्राइज टेस्ट हो गया बट नाउ यू नो कि अब इन लास्ट डेज में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस अपने अलग अलग सेशंस में से अलग अलग यूनिट्स में से किया करेंगे. सो आई सी यू वंस अगेन टुमारो एट 2 PM एंड 8 PM विद मेनी न्यू क्वेश्चंस. टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ ग्रेट डे. Okay.